नमस्कार दोस्तों, ग्रो टीवी में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जोहार घाटी के अपर गांव और कुछ निचले गांव में लोहड़ी के पर्व पर एक दो दिन बाद इस रस्म को, जो कि बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही है, इस पारंपरिक जश्न को मनाया जाता है जिसमें गांव के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इस पारंपरिक रस्म को कुलु कुलु के नाम से जाना जाता है। इसमें गांव की महिलाएं अपने घर से कुलु बनाकर अपनी टोकरी में लाती हैं और गांव के बीचों बीच एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। सारी महिलाएं कोल्लू की टोकरियां लेकर अपने अपने स्थान पर इकट्ठी हो गई हैं और थोड़ी ही देर के बाद कोल्लू फेंके जाएंगे और सारे लोग इन कोल्लू कोल्लू को इकट्ठा करेंगे। इसी प्रकार सारी महिलाएं अपनी अपनी टोकरियों से कोल्लू कोल्लू फेंकते हुए और बच्चे बड़ी उत्सुकता से कोलू कोलू को इकट्ठा करते हुए आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए किस
दादू जी गांव की महिलाओं को कोल्हू बांटते हुए कोल्हू फेंकने की रस्म के बाद गांव की महिलाएं कुछ रोटियां और सब्जी अपने साथ लेकर आती हैं और उन रोटी सब्जी को गांव की हर महिला और जो बाहर से आए हुए मेहमानों में बांट दी जाती है। विनोद और मनोहर सब्जी बांटते हुए इसी प्रकार लोहड़ी में फेंके जाने वाले कोल्हू की रस्म को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारी नई वीडियो आने तक इंतज़ार करें। धन्यवाद।